हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानास कुकिंग कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब स्पाइसी क्रिस्पी कीमे समोसे की रेसिपी। ये बिल्कुल झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप चाहो तो इसे स्नैक्स में, शाम में चाय के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल ना भूलें मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट अपडेट के लिए। यह सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी कीमा समोसा हमारे घर में सभी का फेवरेट है। रमज़ान में इसके बिना हमारा अफ्तारी अधूरा अधूरा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? किस किस को ऐसा लगता है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ रमज़ान में यह डेली बनता है। रियली फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कैसा बना। तो देर किस बात की, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कीमा समोसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मटन का 250 ग्राम कीमा ले लिया है। इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के इसको कुकर में एक सीटी दिला दिया है। ये रेडी हो गया नमक टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज ओनियन लेके महीन महीन चॉप कर लिया, अथरी ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ती और नींबू ले लिया। यहाँ पे सबको कीमा में डाल देना है, ओनियन, ग्रीन चिली और धनिया पत्ती, और ऊपर से नींबू का रस डाल देना। अगर नींबू नहीं रहे तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल लेना। ये सबको इसके ऊपर डाल देना और यहाँ पे नींबू का रस डालना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कीमा बनाने वक्त एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, कीमा फैट फ्री लेना और कीमा कुक करने में ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, कम डालना, क्योंकि कीमा का स्टफिंग भरते हैं ना और जो फ्राई करने में ऑयल निकल जाता है तो समोसा ऑयली ऑयली बनता है, ड्राई ऑयल फ्री नहीं बनता है। देखिए ऊपर से अब धनिया पत्ती इस पर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये समोसा के लिए कीमा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेना और उसमें एक चलनी रख लेना और इसका डो तैयार करेंगे। एक कप मैंने आटा लिया है और एक कप मैं मैदा डाल रही हूँ। मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहो तो मैदा का भी बना सकते हो या आटा का भी बना सकते हो, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। और यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मंगरेला और 1/4 टीस्पून अजवाइन, सबको इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे अब ऑयल लेंगे। इसका जो रोवन दिया जाता है, यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी लिया, पूरा नहीं डालेंगे, 3 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना। और मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, 1 टीस्पून ऑयल और डालूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके इसको बांध के देख लेना। आराम से लड्डू बन जा रहा है, देखिए इस तरह का, तो ये परफेक्ट इसमें रोगन पड़ा है। अब यहाँ पर पानी ले लेना और एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा डो बनाना है, गीला नहीं बनाना है, जो कचौड़ी का बनाते हैं ना डो उसी तरह का बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना, एक दफ़ा नहीं डालना, देखे एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा डो बनाना है। देखिए इसी तरह में चाड़ देंगे। आज इसको हम रेस्ट करने नहीं रख रहे हैं, आज मैं 10 मिनट्स में ये समोसा बना के रेडी करूँगी। देखिए 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मैं चाड़ना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और पानी मैंने 1 कप लिया था, 1/2 कप बच गया है। यहाँ पर से 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मैं चाड़ देना। देखिए इसी तरह अच्छे से मैं चाड़ देंगे। देखिए डो रेडी हो चुका है। अब इसका एक पेड़ा बना लेंगे, एक छोटा छोटा साइज का, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, इसी तरह कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए सारा मैंने पेड़ा बना लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ले लेना, खुश्की जिसको बोलते हैं, और लेके इसको अच्छे से बेल लेना। देखिए इसी तरह बेलना है, तुरंत बन जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं लगता है। आज मैंने इसको 10 मिनट्स में बना के रेडी किया है समोसा। देखिए इसी तरह इसको बेल लेना है, खुश्की लगा लगा के, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। देखिए इसी तरह बेल लेना है। देखिए इसका थिकनेस मैं दिखला रही हूँ, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। बेल के एक साइड रख लेना, मैं नेक्स्ट उसी तरह बेल लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह मैंने सारा बेल के रख लिया है। अब यहाँ पे इसको स्टफिंग करेंगे, इसको भरेंगे। यहाँ पर कीमा ले लिया है और जो मैंने बेल के रखा था, बेल के आप रखें ना तो उसके ऊपर जैसा मैदा छिड़क छिड़क के रखें ना तो एक दूसरे में सटने का डर रहता है। यहाँ पे स्टफिंग ले लेना है जो कीमा का मैंने रखा है, इसको इसके अंदर डाल देना फ्रेंड्स।
किनारे किनारे पानी से हल्का सा भींगा देना उंगली डाल के, देखिए इसी तरह। और इसको ला के यहाँ पे बस अच्छे से चिपका देना। अब बस हल्का हल्का इसको टर्न करते जाना, देखिए ऐसे मोड़ना। इसको बनाना बहुत आसान है, बस फिंगर से बस ऐसे से करते जाना, डिज़ाइन भी आ जाता है और इसका लॉक हो जाता है पॉकेट। यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है समोसा। अब यहाँ पे एक प्लेट ले लेना, उस पर भी थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना और उस पर इसको रखते जाना। देखिए इसी तरह मैंने भर लिया, सबको रेडी कर लिया फ्राई करने के लिए। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाना और उसमें ऑयल डालना। ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें डालना। देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पर आँच मीडियम कर लेना। अब मीडियम आँच पे इसको फ्राई करना, तेज़ आँच पे मत करना। तेज़ आँच पे करोगे तो ऊपर पूरा अच्छे से फ्राई होता है और अंदर पूरा क्रिस्पी नहीं बनता है, तो इसलिए मीडियम टू हाई आँच पे इसको फ्राई करना, तो एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत टेस्ट लगता है और अच्छा देर तक ये क्रिस्पी रहता है। आप रख दोगे फ्राई करके, अच्छा देर तक रहता है। देखो फ्रेंड्स देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम लाजवाब बनता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, बच्चे हों या बड़े हों सब शौक से खाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसमें सोया का कीमा बना के स्टफिंग करके बना सकते हो, या पनीर का या वेज का, आप जो चाहो डाल के फ्राई करके खा सकते हो। देखिए देखने में लग रहा है ना टेस्टी। तो देखिए फ्रेंड्स यह सुपर टेस्टी स्पाइसी क्रिस्पी कीमा समोसा बन के रेडी हो चुका है, अब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स इसे बनाना कितना आसान है। आप चाहो कीमा बना के फ्रिज में रख सकते हो और आपको जब समोसा खाने का मन करे तो डो तैयार करो और समोसा झटपट बना लो और खाओ और सबको खिलाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखलाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, अंदर देखने में टेस्टी लग रहा है। ओके फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हेल्दी रहना, सेफ रहना और फुल वॉच करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।